समूह संपादक रिजवान जी से अनुमति ली कि हम ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं और आज हम आपके बीच में हैं। हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम, आप सबका स्वागत है। सर मैं युवा भी हूँ और लड़की भी हूँ, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन है सर। घोषणा पत्र वचन पत्र के इतर सर बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं। इस वक्त सर भारत में सबसे ज्यादा चुनाव धर्म के नाम पे लड़ा जाता है सर, और कहीं ना कहीं सर इमोशन के नाम पे लड़ा जाता है, और सर जो पार्टी ज्यादा अच्छे से लड़ पाती है जीत लेती है सर। सर एक बात बताइए, लास्ट कुछ सालों में सोशल मीडिया जितने आसानी से ऊपर आया है, जितने अच्छे तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, जो भी हो, या फिर भाजपा की बात करें वहां से ईरानी हो या फिर सुषमा स्वराज हो, जिस तरीके से सर अश्लील फोटोज लगाए जाते हैं, नेत्रियों की बात करें आप किसी की भी, उस पर सर भद्दे कमेंट लिखे जाते हैं। ट्विटर उठा के देख लीजिएगा सर, आप इतने गंदे गंदे ट्वीट्स किए जाते हैं, और सर कोई भी बहाने वाला जवाब इसलिए मत देना बिकॉज हर छोटे से छोटे नेता के पास और हर बड़े से बड़े मंत्री के पास आईटी सेल है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। तो क्या सर यहाँ पर आप रिजर्वेशन की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, तो क्या जो बड़े लेवल के हैं, चाहे सोनिया गांधी जी की बात करो, प्रियंका गांधी की बात करो, भाजपा की बात उठा के करो, क्या सर ऐसे मतलब महिलाओं की इज्जत उतारने के लिए आईटी सेल वालों को रखे गए हैं? बहुत अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात हमारे परिवार के सदस्य ने उठाई। और मैं जो पहली बात की धर्म और जाति पे चुनाव हो रहा, तो मेरा नौजवानों आपसे कहना है स्पष्ट रूप से, ना राम खतरे में है ना अल्लाह खतरे में है, गर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे नौजवानों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान के नौजवान का रोजगार और किसानों के फसलों के दाम खतरे में है। मूल मुद्दे के ऊपर चुनाव जिस दिन आप लेके जाओगे, उस दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को परिपक्वता मिलेगी। जो बात महिलाओं के ऊपर कही स्पष्ट है, जब राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, एक कई बीजेपी के कई नेता आते हैं जिनके शब्दों की शब्दावली जो होती है कि गिरिराज सिंह की शब्दावली, कहीं नेताओं की शब्दावली, कि शब्द का चयन क्या होना चाहिए। अभी प्रियंका जी ने दौरा किया, तो किस तरह के शब्दों का चयन, और उन्हीं को देख के उनके नीचे के आईटी सेल वाले उस तरह से काम करते हैं। आप घृणा के भाव को सीखे, ये गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा, इस हिंदुस्तान का मूल भाव गांधी का भाव है, जिसने प्रेम सहिष्णुता इस देश के अंदर जिस प्रकार की चीजें सिखाई, उन चीजों पर चलने की जरूरत है। लोग डर की राजनीति, आज इससे डरो आज उससे डरो, आज भय की राजनीति से निकल के इस हिंदुस्तान की आधी आबादी के साथ खड़े होने की जरूरत है और पूरा अधिकार दिलाने की जरूरत है, इस ओर काम करने की। आशीष जी, जी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। कुणाल भाई को शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर जी के बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नारी सदैव हमारे देश में आदर की प्रतीक रही है। नारी के सम्मान के लिए समाज हर बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी दुर्गावती का जौहर भी इस देश ने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बराबरी का दर्जा जिस को मिला हुआ है, वो यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है, तो चाहे कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में महिलाएं पहले घर की दहलीज लांग के आगे निकलती है, उसको वहां भी बहुत से हाथ रोकते हैं, उसके बाद जब वो समाज में आती है और राजनीतिक मंचों पर पहुंचती है, तब भी उसे बहुत सारी छींटाकांशी और इस तरह की बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन इन सब की परवाह नहीं करते हुए वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करते हुए, राष्ट्र सेवा करते हुए अपने राजनीतिक दल में यदि आगे बढ़ती है, तो उसके स्वाभिमान और सुरक्षा की चिंता सबको करना चाहिए। नारी यदि हमारे देश का आभूषण है, नारी यदि हमारा मान है, नारी यदि हमारी मर्यादा है, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के द्वारा, आम व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो वो दंडनीय है। और ऐसे व्यक्तियों को हर राजनीतिक दल ने बाहर करना चाहिए जो नारी के सम्मान की चिंता नहीं करता। आशीष भाई, आप लोग पहल कहां से होगी? मेरा एक आशीष जी से एक सवाल हो, देखिए हम दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात याद कराई मणिशंकर अय्यर जी की, स्पष्ट है जिन्होंने जो बात कही, पहले दिन अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने कार्रवाई कही तो वो राहुल गांधी जी ने कार्रवाई करी और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित करने का। क्या गिरिराज किशोर पे काम हुआ? क्या दूसरे जब मनमोहन सिंह जी के ऊपर बाथरूम में नहा के झांकने वाले शब्द का चयन विधान लोकसभा के अंदर हुआ, तब कोई कार्रवाई हुई? क्या देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को आर्थिक शक्ति बनाया,
उनके ऊपर जो कमेंट होते हैं, नेहरू जी के ऊपर जो जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में 15 साल अपने जीवन के दिए और जेल में रहे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब विचार होते हैं तब उनके प्रति ये दोहरा रवैया कैसे कि अगर यहाँ पे मणिशंकर अय्यर कार्रवाई हुई और स्पष्ट रूप से मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी का कि जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की और बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। आशीष जी और कुणाल जी, एक और मैं जनता इनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला तो आशीष जी आपकी तरफ से है, बहुत बड़े स्वाभिमान के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ 2014 में एक चाय वाला आता है और चाय 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 करके और देश पे छा जाता है और देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। 18 में 19 में अचानक उसको चाय से चौकीदार बनने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि क्या चाय वाला गलत था या आप चौकीदार गलत है? देखिए, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, उन्होंने जब भी कहा अपने आप को प्रधान सेवक किया। और एक चाय वाला व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला साधारण परिवार का व्यक्ति भी इस देश में काम करते हुए, जनता की सेवा करते हुए उच्च मुकाम हासिल कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व इस बात को परिभाषित करता है कि भारत में गरीब परिवार में जन्म लेना, किसी छोटे व्यवसाय को करना कहीं भी नकारात्मकता की श्रेणी में नहीं आता। आप ये काम करते हुए भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे पहला संदेश है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को देश की जनता का चौकीदार मानता है, प्रधान सेवक मानता है, यदि उसकी निष्ठा पर, उसके काम पर उंगली उठाई जाती है और वो गर्व से कहता है कि हाँ मैं चौकीदार हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें कहीं भी गलत नहीं है। चौकीदार जो सीमाओं की सुरक्षा करता है, जो घर की सुरक्षा करता है, उस चौकीदार पर पूरी जनता का, जो उसको चौकीदारी सौंपता है, उसका भरोसा होता है। इसलिए जब चौकीदार शब्द का माखौल उड़ाया जाता है तब उस हजारों लाखों करोड़ों चौकीदार, कुणाल जी इसके बाद एक सवाल और, जो दुनिया में कहीं भी किसी ने किसी चीज की पहरेदारी और चौकीदारी कर रहे हैं, उसकी यदि नियत पर, उसके काम पर यदि सवाल उठाया जाता है और हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है हाँ मैं चौकीदार हूँ, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरा बिल्कुल बहुत 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 अच्छी बात कही आपने। चौकीदार, हम घर पे भी चौकीदार रखते हैं, बाहर भी कॉलोनियों में चौकीदार रखते हैं, और जब कहीं चोरी होती है और आधी जगह चौकीदार ही उसमें चोर निकलता है, तो उस चौकीदार को हटाया भी जाता है। और जब रफेल की फाइलें चोरी हो रही थी, जब कितने करोड़ का, 560 करोड़ का प्लेन 1600 करोड़ में खरीदा जा रहा था, तो ये चौकीदार चोरी कर रहा था कि चौकीदार की भागीदारी थी? जब वहां पे नीरव मोदी को भगाया गया और खुद का बयान आया कि 240 करोड़ के उसके लिए मुझे भगाने का काम किया, तो उस समय चौकीदारी पे कौन था? उसकी जवाबदारी तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब विजय माल्या भगा, उस समय चौकीदार कौन था? जो मिलके जाता है इस देश के प्रधानमंत्री से, तो वो चौकीदार की जवाबदारी, क्या चाय वाले पे चुनाव होगा, चौकीदार पे चुनाव होगा? जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी उसका क्या होगा? जो आपने अच्छे दिन की बात कही थी उसका क्या होगा? यही कि देश के मूल भाव से कैसे आप भगने का काम करो। ये चौकीदार अगर चोर है तो जनता चोर को हटाने का काम या चौकीदार की भागीदारी है। चलिए, तो भागीदार तो चोर एक, जी एक और सवाल लेते हैं अनामिका जी, हम आपके पास आएंगे। अनामिका कोई है जी, बताइए। मेरा नाम कृतिका राठौर है, मैं BMS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन पहले सर से पूछा जा चुका है, पर फिर भी जैसे कि आप, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं इसी फील्ड से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे रिजर्वेशन होता है, मैं एग्जांपल भी देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसके मार्क्स 301 थे, आज वो MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में है रतलाम में, इवन मेरे उससे ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा है पर हाँ ज़्यादा है, और मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मुझे ना तो BMS में गवर्नमेंट कॉलेज मिला ना MBBS में मिला, तो और मुझे ये फिर प्राइवेट कॉलेज चूज करना पड़ा। और मेडिकल फील्ड एक ऐसी है जहाँ पर आगे लोगों की हमको ही सेवा करना है, हमें उन्हें देखना है वो, और जो STSC के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो 5 साल का कोर्स MBBS का 8 साल 10 साल में निकाल रहे हैं बैक लगाते लगाते, उसके बाद गवर्नमेंट में है तो फीस की कोई टेंशन नहीं, ऊपर से उनको स्कॉलरशिप भी है, तो वो तो मजे में है, ठीक है चलो हम निकाल लेंगे जैसे तैसे, और फिर आगे लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मेडिकल फील्ड जिसमें लोगों की सेवा करना है, लोगों की जिंदगी आगे उनके हाथ में रहती है, उनके साथ हम ना इंसाफी ना करें, सबको समान रखें, जो ज़्यादा कैपेबल है, जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए ना, नहीं कि STSC वाला भाई ये तू 200 नंबर वाला है 720 में से, पहले तू जा मेडिकल कॉलेज में, ये मैटर तो नहीं होना चाहिए। दोनों से अपेक्षित है सवाल। इस देश के मूल भाव को समझने की जरूरत, इस देश की विविधताओं की एकता को समझने की जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा एक बहस का और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंतर्गत हम लोगों को एक बड़ा, मतलब एक
इसके ऊपर काम भी हो रहा है और इसके ऊपर काम करने की भी जरूरत है, पर आप कहीं इस बात को पूरी तरीके से नकार दे कि इस देश के जो निचले पंक्ति के व्यक्ति है उन्हें आगे लाने के लिए एक आरक्षण की जो व्यवस्था और जिस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाई चलती है, कहीं ना कहीं हम उस भाव को समझने की कोशिश करें और मेडिकल फील्ड हो या किसी गांव के संसाधन की व्यवस्था हो, किसी छोटी जगह की व्यवस्था हो और किस प्रकार से देश के अंदर चीजें चलती है, एक बहुत बड़ा ताना बाना है, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक रिवाइवल की जरूरत है और वो रिवाइवल धीरे धीरे होने। आशीष जी, इस विषय पर जाएं इससे पहले बहन मैं इसके सामाजिक पहलुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मंच इसलिए भी है कि आप युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार, ऐसे तथ्य रहते हैं जो वास्तव में तात्कालिक आपके विचार से बनते हैं। ये विषय सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जिन लोगों को आप आरक्षण की वजह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि हजारों साल, सैकड़ों साल उन्हें हमारे समाज ने किस दशा और दिशा में जीने के लिए विवश किया था? क्या आपको स्मरण है कि इस देश में 1000 साल मैला ढोया है सिर पर लोगों ने? क्या आप कल्पना कर सकते हैं हम अपने किसी परिजन का मैला भी अपने सिर पर नहीं ले जा सकते सदियों तक? बहन मेरी बात सुन लीजिए बेटा, आपको किसी भी पहलू पर विचार करते समय उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना बहुत जरूरी है। आप देश के भावी नागरिक हैं, इनको वोट चाहिए होंगे, मुझे वोट नहीं चाहिए, डॉक्टर शिशिर जी को वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम आपको समाज के इस ज्वलंत प्रश्न के दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान दिलाएं। कि आपको मालूम है 12,000 सफाई कर्मचारी हर साल इस देश में गटर में जाकर आपका गटर साफ करने के लिए जाते हैं और जिंदा नहीं लौटते? आपने उसमें आरक्षण कभी मांगा कि किसी पाठक तिवारी और शर्मा को आरक्षण मिले सफाई कर्मचारी की नौकरी का? आपने ये कल्पना की कि सदियों तक उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? दलितों को नगर और ग्राम की सीमा में आने से पहले उन्हें अपने कमर में एक झाड़ू बांधनी होती थी ताकि उनके पैरों के निशान साफ होते हुए जाएं। बारात में घोड़ी पर बैठ नहीं सकता दलित युवा। आज भी इस देश में बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे गांव होंगे जहां उन्हें सामान्य मनुष्य का दर्जा हमारे समाज ने अब तक नहीं दे पाया है। तो ये लोकतांत्रिक समाज है, अब ये वर्णवादी व्यवस्था का समाज नहीं है। इन चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि ये सबको बराबरी का हक दें और कम से कम जो 5,000 साल से आपसे बहुत पीछे चल रहे थे वे थोड़ा पास में आ जाएं, आपके बराबर से चलने लगे, उसके बाद सोचा जाएगा। आशीष जी, देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर आजादी के इतने वर्षों में कई बार बहस भी हो चुकी है, हिंसक आंदोलन भी इस देश में हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वर्ग आरक्षण चाहता है और अधिकतम चाहता है। मेरी पार्टी का भी यह मत है कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में दी गई है वो अभी भी चल रही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानता हूं, चाहे शिवराज जी की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी संबल योजना लेकर आए थे जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों के बीपीएल कार्डधारियों के सब बच्चों की फीस मध्यप्रदेश की सरकार ने भरने की व्यवस्था की थी। कोई भी व्यक्ति जो योग्य है, आर्थिक आधार पर किसी से पिछड़े नहीं, ऐसी व्यवस्था आज के समय में प्रत्येक सरकार को करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जन्म के समय सब एक जैसे होते हैं, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाना चाहिए, हर व्यक्ति अपनी योग्यता से हर किसी मुकाम को हासिल कर सकता है, लेकिन अगर आर्थिक कमजोरी उसकी योग्यता और उसकी क्षमता पर प्रभाव डालती है और वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता तो प्रत्येक सरकार को उसकी आर्थिक समस्या को दूर करते हुए ऐसी नीतियां बनाना चाहिए कि आर्थिक आधार पर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी पद पर जाने से वंचित न रहे। सर, वो आर्थिक अगर मदद करेंगे वो चलेगा, पर एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, वो भी मेडिकल में, आई विश कि आगे इसमें समानता दिए जाए। जैसे सीए होता है उसमें कोई ओबीसी, एसटी, एससी और ना जनरल ऐसी कैटेगरी कभी नहीं देखी जाती, उसमें जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं इस देश की ये भी खासियत है कि जब भी इस तरह की चर्चाएं इस देश में चलती है किसी भी विषय पर तो अंदर से बहुत कुछ मंथन होकर निकल कर आता है और वो जब आवाम की आवाज बनता है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज बनता है, तब सरकार को झुकना पड़ता है और निर्णय करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश का युवा आरक्षण पर और अपने भविष्य के बारे में इस तरह की सोच रख रहा है, एक खुले समाज में चर्चा में भाग ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो मुझे समय दिख रहा है, आने वाला भारत जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद और आरक्षण
के नए प्रावधानों वाला भारत मुझे इस समय आपके माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। इस देश का युवा आने वाले समय में आरक्षण पर भी पुनर्विचार कराएगा और उसकी योग्यता को जी। अगला पूछिए। आशीष जी और कुणाल जी दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, अभी बीच में किसी की तरफ से सवाल आया था, इनके बाद मैं पूछूंगा जी। हाँ बोलिए। मेरा नाम सर इंडिया मतलब ये दोनों पार्टियों से मैं पूछना चाह रहा सर, बैटरी कैश इंडिया में आगे आ जाइए ना, आगे आ जाइए थोड़ा सा, वहां से कर लेगा कर लेगा जी। बोलिए सर। इंडिया 50% से वो यूथ है सर, 50% है, मगर पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट एज लिमिट नहीं है सर। मैं दोनों पूछना चाह रहा, वर्ल्ड एज द वर्ल्ड गोइंग ओल्डर इंडिया इज गेटिंग यंगर, इतने सारे युवा है पॉलिटिक्स में आना चाहते मगर ये पॉलिटिक्स में मतलब इतने सारे एज पर्सन है उनको नहीं आने देते, मतलब हमेशा उनको रोका जाता है, कुछ भी हो जाता है। अब दूसरे कंट्रीज के तो उनको तो टाइम लिमिट आता है दो, मतलब अब अमरीका बारक ओबामा उनका दो टर्म करे उसके बाद फिर बंद हो जाता। अपने कंट्री में भी ऐसा एक रहेगा तो जो नया युवा एक तरह से बहुत मौका मिलने का चॉइस होता। और एक इंडिया में प्रिसरी सिस्टम, अगर समय कुछ गलत कर दिया, किसी का कुछ गलत कर मर्डर कर दिया तो कल सुप्रीम कोर्ट में फांसी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती सर? मैं खुले आम मर्डर कर रहा तब पर भी फिर पेपर वर्क सब चीज क्यों होना चाहिए सर? इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए ना सर? हाँ कितने सारे केसेस है। आशीष जी कुणाल जी दोनों देखिए, हमारे यहां पर न्याय व्यवस्था जो है संविधान में बहुत अच्छा संतुलन स्थापित किया गया है और इसलिए हमारे कानून की परिभाषा में यह आता है कि चाहे 10 अपराधी बरी हो जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा चाहे कसाब का मामला हो, चाहे दुष्कर्म पीड़ित दुष्कर्म के मामलों में भी किसी को सजा देने का मामला हो, हमारे यहां न्यायालयों की ऐसी व्यवस्था है कि न्याय चाहे विलंब से होता है लेकिन न्याय ऐसा होता है कि पूरी दुनिया को यदि हम बता सके तो यह कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरे विश्व में सर्वोत्तम मानी गई है। और इसलिए आपका कहना सही है कि जब कोई घटना होती है तो व्यक्ति ये चाहता है कि इसको तत्काल दंड मिलना चाहिए, लेकिन न्याय के सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं हो और दोषी बिल्कुल दंड उसको मिले जो कानून के द्वारा नियत किया गया है। तो वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है हमारे देश में उसको बहुत अच्छे से अपनाया गया है। हमारे यहाँ के न्याय सिद्धांतों की विश्व में उदाहरण दिए जाते हैं हमारे यहाँ के न्यायाधिपतियों के। एज लिमिट वाली बात, और जहां तक बात एज लिमिट की है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये आप जैसा युवा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा है और करके भी दिखाया। बेंगलुरु जहां पर हमारे अनंत कुमार जी स्वर्गीय दिवंगत अनंत कुमार जी मंत्री हुआ करते थे, वहां से हमने 28 साल के एक युवा को टिकट दिया है। आप देखिए कई जगह हमने कांग्रेस कई जगह जैसे युवाओं को आगे बढ़ाया, कई जगह हमने नए नए चेहरे लेकर आए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह सेवानिवृत्ति की आयु विभिन्न पेशों में होती है, राजनीति में भी एक्टिव पॉलिटिक्स से विश्राम लेने की समय अवधि होना चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति को खुद तय करना चाहिए कि मुझे अब किस भूमिका में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो गाइडलाइन बनाई है और इसलिए हम बड़ी संख्या में युवाओं को इस बार एमपी का चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए मैं इस बात से थोड़ा इतर हूं, सबसे ज्यादा यंग एमएलए अगर आप विधानसभा के अंदर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरे साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष को और इसके साथ इतने नौजवानों को टिकट मध्य प्रदेश और जिसपे योग्यता थी। एक ये चीज जो योग्यता की बात होती है, एक वरिष्ठों का अपमान भी अगर ये कहे कि हम वरिष्ठों के साथ न्याय नहीं, दो चीजें हैं। एक वरिष्ठों का अनुभव होता है, उस अनुभव की जीवन में कोई सानी नहीं होती, एक नौजवानों का अनुमान होता है और दोनों का मिश्रित रूप से कि एक योग्यता जिस ऊर्जा है नौजवान में उस ऊर्जा के पीछे अनुभव का लाभ कैसे मिले उसके साथ ही ये देश ड्राइव कर सकता है। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ नौजवानों के हाथ में सारी चीजें आ जाए
कई अनुमान हमारे गलत भी हो सकते हैं। और जो अनुभव की बात रहती है, उस अनुभव का भी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई सानी नहीं है। और दूसरी बात की जो बात कर रहे हैं कि भैया युवाओं को मौका देने की बात, तो युवाओं को मौका अपने आप लेना पड़ता है और अपने आप को इस्टेब्लिश अगर आप करोगे कि जिसमें काबिलियत है कि जो जीतने योग्य हर पार्टी और हर व्यक्ति जीतने योग्य युवाओं को ढूंढता है, जो सामाजिक सरोकार में इस लोकतांत्रिक हमारे जनतंत्र की इस प्रक्रिया में भाग लेते हुए बेहतर अपने आप को साबित करेगा, उसको मौका मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी रामू टेकाम बैतूल का एक नौजवान मेरा यूथ कांग्रेस का, उसको अभी लोकसभा का टिकट मिला। करीब करीब आप यूथ यहाँ पे जितनी भी आप हमारे यहाँ की कैबिनेट देखेंगे, 28 में से करीब 20 से ज्यादा मंत्री तो युवा मंत्री है, किसी की उम्र 32 भी है, किसी की 36 भी है, और इस 40 साल के अंदर के एज के करीब करीब 70% मंत्री आपका मुख्यमंत्री सिर्फ बुजुर्ग है, बाकी सारे क्या बताया, वरिष्ठों का मार्गदर्शन। कमलनाथ जी वो व्यक्तित्व है जिनमें हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है, जिनका एक विश्व के अंदर अपनी साख है और जिनका एक इतना अनुभव है जिसी के उसके ही माध्यम से इतनी तेजी से काम चल रहा है। जिस 90 दिन के पीरियड में सरकारें, पिछली सरकारें अपने हनीमून पीरियड से नहीं निकल पाती थी, कमलनाथ जी ने जो काम करके बताया है हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में और सबसे अच्छे काम करने के रूप में। अगर बेहतर काम किया होगा तो जनता आपको जरूर मौका देगी। एक सवाल जनता की तरफ से, अभी मैं आशीष जी और कुणाल जी दोनों लोगों से, चूंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था है उसमें 125 करोड़ की जनता में आधी महिलाओं की है, और पिछले 20 सालों से मैं ये देख रहा हूँ, चूंकि पत्रकार हूँ, देख रहा हूँ कि दोनों राजनीतिक दल सिर्फ लालीपॉप के नाम पे आरक्षण, महिला आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण होना चाहिए, इसका नारा तो देते हैं, लेकिन ये कब हो पाएगा कि हम लोगों के साथ यहाँ पर महिला प्रतिनिधि के रूप में महिला विधायक बैठे और वो सरकार का हिस्सा बने, तब समानता की बात होगी, तब बराबरी का दर्जा होगा। पार्टी इस पे स्पष्ट कर चुकी है, 33% आरक्षण के ऊपर महिलाओं के साथ, और आधी आबादी, हिंदुस्तान की आधी आबादी है, जब तक पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हिंदुस्तान, जिस डेवलपिंग कंट्री की हम बात करते हैं, जब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध, और हमने स्पष्ट हमारे घोषणा उसके अंदर भी है और काम भी करेंगे। पिछली सरकार से भी हमने आग्रह किया था कि इस बिल पे हम साथ में, आप इस बिल को लेके आइए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, आप लाए थे, भाजपा ने विरोध किया था, अब क्या समस्या है, अब तो भाजपा की सरकार है, वो विरोध समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो हम तो समर्थन दे रहे हैं, करे तो सही, हमने तो पिछले 5 साल से कहा कि करो आप, हमने पहले हम लेके आए थे, इनने उसका विरोध करा, जब विरोध करा उसके बाद सरकार में आए, उसके बाद लेके ही नहीं आ रहे, अगर लेके आएंगे तब तो होगा। आशीष जी आपको क्या घर से ही खतरा है कि भाभी जी आ जाएंगी आपकी जगह विधायक के रूप में? देखिए मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि जो योग्यता रखता है वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। जहां तक बात महिलाओं की है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार को ऐसी पहली सरकार होने का गौरव हासिल है जिसने नगरीय निकायों में, स्थानीय निकायों में, ग्रामीण स्वराज के संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। देखिए लेकिन आशीष जी, मध्य प्रदेश में सिंह जी की सरकार में 50% आरक्षण हो चुका था, देखिए महिलाओं का, लेकिन पंचायतों में स्पष्ट, लेकिन कई जगह महिलाओं की जो व्यवस्था है उनको उनके पति, उनके बेटे, उनके भाई चलाते हुए देखे जा सकते थे। आज भी समाज उस स्थान तक नहीं पहुंचा है जहां महिलाओं को पूरी जवाबदेही के साथ लोकतांत्रिक उस प्रक्रिया में भी भागीदार बनाया जाए। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, और जिसे कि पिछले सत्र में भी ये चर्चा हुई कि राजनेताओं के लिए भी, जो जन सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान कुछ न कुछ लागू होना चाहिए। आशीष जी, 3 तलाक के मामले में अध्यादेश ला सकते हैं, तो महिला आरक्षण पे क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो भारी बहुमत था केंद्र सरकार में। बिल्कुल, हमारी सरकार की भी मान्यता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में मिलना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक विपक्ष का सहयोग नहीं होगा, पूरे साथ थे हम तो सारे बिल को लेके आए थे, जब आपने सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी है यूपीए की चेयरपर्सन ने कि इसको लेके आइए, हम साथ में है, समर्थन में, आपके प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, उनकी तरफ से क्या तय नहीं हो पाया था, क्योंकि आप लोग बहुत प्रबल दावेदार थे महिला आरक्षण हो? देखिए जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए प्रयास किया, नहीं लेके आए, लेकिन जिन लोगों ने किन्हीं परिस्थितियों में महिला आरक्षण बिल को पास कराने का वचन दिया था वही अब आशीष जी, मोदी जी झूठ बोलने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, स्पष्ट रूप से ना तो आपकी सरकार आज तक लेके आई है, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी, इस बार भी आपकी सरकार में यूपीए चेयरपर्सन ने लेटर भी लिखा,
आप जो नगरी निकायों की इनकी बात कर रहे हैं, ये भी आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार लाई थी। नहीं, शिवराज जी की सरकार ने दिया, नगरी निकायों में 50% आरक्षण पंचायती व्यवस्थाओं में, सारी व्यवस्थाएं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। शायद मेरे ख्याल से पार्टी और सवालों की ओर चलते हैं। हमारे युवा साथियों के जो सवाल हों कृपया सीधे सवाल पर आएं, समय की सीमा है। सर, मेरा नाम सुहेल शेख गौहर है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हर नेता बोलता है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, लेकिन सर पॉलिटिक्स में आने के बाद सर उनकी संपत्ति अचानक से कैसे बढ़ जाती है? बहुत अच्छा सीधा सवाल है, बताइए आप दोनों राजनेता। बहुत सही सवाल आपने पूछा कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों के उनके ऊपर यही होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल की सरकार में किसकी क्या स्थिति थी। यही बात है कि एक चाय वाला कहता है कि मैं चाय वाला था और 10 लाख का सूट पहन के घूमते हैं, 10-10 बार वहां पे स्थितियां। एक व्यक्ति 1600 करोड़ की मतलब 1600 गुना संपत्ति बढ़ जाती है, उसकी जांच नहीं होती है। बात किस पे उठती है? वो गांधी परिवार के ऊपर जिनके पंडित मोतीलाल नेहरू जो आजादी से पहले जिनका आनंद भवन आप जाके देखें, उस परिवार के ऊपर बात उठाते हैं कि जिनके संपत्तियां और जिनने इस देश के लिए जाने दी आजाद अपनी सारी संपत्तियां। हिंदुस्तान में अगर आप 3 मूर्ति भवन देखेंगे, वो इतना बड़ा है कि राष्ट्रपति भवन से बड़ा 1800 के दशक का बना हुआ, उसको देश के नाम कर दिया। जिस परिवार ने आनंद भवन अपना, पूरे देश को आनंद भवन आप देख के आएंगे कि कितना बड़ा, पंडित मोतीलाल नेहरू हमारे नेहरू जी के परिवार के, उनसे आप सवाल पूछते हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं चाय वाला था, वो 10 लाख का सूट पहन के घूमता है। यहां पे सवाल यह है कि जय शाह की संपत्ति इतनी बढ़ती है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कौन सा धंधा है कि 50,000 लगाओ और 80 करोड़ रुपए कमा लो? ये हमें भी कोई यह धंधा बता दे। मैंने एक बार शिवराज जी की सरकार में एक सवाल उठाया था कि 3 तरह के धंधे हमें बता दीजिए। एक, खेती करना हमें सादा भाभी से सिखा दीजिए, जो 4 एकड़ में 90 लाख की फसल कैसे होती है, किस किसान को 4 एकड़ में 90 लाख की फसल हो रही है। एक दूध का धंधा कि हमारे गांव के व्यक्ति का गाय का दूध 20-25 रुपए लीटर बिकता है, और इनके बेटे का दूध से धोने का धंधा एक नया लगा है कि दूध से धुला हुआ दूध जिसके अंदर 65 रुपए लीटर वो दूध बिकता है। तो हमें भी वो धंधा सिखा दो, हम भी दूध से दूध को धोना सीख जाए तो हमारे किसान के बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। या फिर जय शाह से वो काम सिखा दो कि 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे होते हैं जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर, तो उस बात को हमें समझा। देखिए पूरा देश जानता है, इंडिया सिखा दे, पूरा देश जानता है कि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संपत्ति कितनी बड़ी है। पूरी जांच चल रही है उसमें, कहां से उन्होंने इतनी बेनामी संपत्ति इकट्ठी की। आपसे जहां तक मैं कह रहा, आप मुझे जवाब देने दीजिए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं कहना चाहता हूं कि हम जब एमएलए और एमपी का फॉर्म जमा करते हैं, उसके साथ एक शपथ पत्र देते हैं कि हमारी इतनी संपत्ति है, चल एवं अचल संपत्ति। अगले 5 साल बाद फिर जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम नया शपथ पत्र देते हैं। जिस तरह अधिकारियों को, राजनेताओं को, कि जनता ये चाहती है कि इनकी संपत्ति कितनी 5 साल में बढ़ी है, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि राजनेताओं को भी हर 2-3 वर्षों में अपनी आय के साधन जनता को बताना चाहिए, सार्वजनिक अखबारों में घोषणा पत्र देना चाहिए कितनी संपत्ति मेरे पास बढ़ी है, कितने मेरे आय के नियम तो है। लेकिन आज तक आपकी सरकार में एक मंत्री के ड्राइवर के खाते में 6 करोड़ आ गए थे, अचानक कहां से आए थे पता नहीं लगता। देखिए हमारी सरकार में, चाहे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे हो, चाहे हमारे कई अन्य मंत्री हो, सबने अपनी आय की भी घोषणा की है। आप कुणाल जी की बात का वो जवाब जरूर दें कि आम किसान तो फांसी लगा रहा है, उसको फसल पैदा नहीं हो पाती है, लेकिन आपका कहना है कि साधना भावी के 4 एकड़ में 90 लाख की फसल कैसे हो जाती है? ये हमारे सीखे, इनको रोजगार की जगह अगर ये सीखे। देखिए कुणाल भाई कह रहे हैं कि मैंने प्रश्न लगाया था, मुझे तो आज तक पता नहीं कि उन्होंने इस तरह का कोई प्रश्न किया होगा। लेकिन जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये शिवराज जी ने खुद बोला है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार खेती करता है, बहुत अच्छे फूलों की खेती वो करते हैं, दूध का उत्पादन हमें भी सिखा देना। ये आप चलिए हमारे साथ आइए, हम भी दिखाएंगे, आप एक आध बार चल के देखिए कैसे मुख्यमंत्री जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाया। लेकिन आप जाना नहीं चाहते। हमारी सरकार ने मेरा खेत मेरा तीर्थ योजना चलाई, उस योजना के अंतर्गत आपको तीर्थ। आप दोनों लोग रोजगार के ऐसे अवसर इन युवाओं को जरूर बताइए।
अच्छा होगा कि ये लोग इस तरह के स्वरोजगार में जाएं। एक सवाल आप लोगों की तरफ से मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, जो आना तो आप लोगों की तरफ से चाहिए था। इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला, आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी तबाह हो गई उसमें। 15 साल तक कुणाल चौधरी की पार्टी उसको नारा बनाकर चुनाव लड़ती रही, पिछले 2 चुनाव में कोई लाभ नहीं हुआ। इस बार वे चुनाव किन मुद्दों पर जीते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब आपकी सरकार है, व्यापम घोटाले में जिन छात्र छात्राओं का भविष्य नष्ट हुआ उसमें अब कोई जांच हो रही? 90 दिन हो गए आपकी सरकार को आए हुए। मैं बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि व्यापम जिस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने लड़ा है, करीब तकरीबन 25 दिन से ज्यादा जेल रहा हूं, 40 से ज्यादा आंदोलन के केस मेरे पे लगे, कई दिनों तक जेल के अंदर रहना पड़ा, कई बार लाठियां, कई बार पानी, आंसू गैस के गोले। इस मध्य प्रदेश के अंदर इस व्यापम घोटाले पे अगर सबसे ज्यादा कोई लड़ा होगा तो वो व्यक्ति में हो। और व्यापम जिसे आप घोटाला कहते हो, अरे एक मिनट रुकिए, व्यापम में घोटाला जिसे कहते हो वो घोटाला नहीं है, वो योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार व्यापम है। और एक एक व्यक्ति जिसने इस घोटाले को किया था, पीढ़ियों का जो नुकसान किया था, एक एक व्यक्ति को सजा मिलेगी, उस पर जांच चल रही है। अभी तो आचार संहिता का समय, इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कितने इनके नेता जेल जाते हैं। पहले भी एक काबीना मंत्री को जेल में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम किया था और सालों तक जेल के अंदर रहा था, जिसने खुद ने कहा था कि मैं तो एक मछली हूं बड़े हुए मगरमच्छ, तो बाकी जब काबीना मंत्री कैबिनेट मंत्री मछली था तो उससे बड़ा बड़ी हो गया था। वो भी बड़ी हो गया है व्यवस्था में, नहीं व्यवस्था नहीं, स्पष्ट है। हम एक-एक ये अपेक्षा करेंगे कम से कम यहाँ के सारे युवा की, उनको जो अपराधी है उनको दंड मिले। सिर्फ समय की कमी है, हम बाइंड अप करना चाहते हैं दोनों लोगों से आप 2-2 मिनट में कि क्यों ये युवा जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं क्यों आपकी तरफ जाएं, अगर वोट करने जाएंगे तो क्यों आपको चुने? 2-2 मिनट में कुणाल जी। मैं देखिए, मैं आप सब युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि भारत आज के समय में विश्व की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है और विश्व में बहुत तेजी के साथ भारत आज तरक्की कर रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था हो, आज हमारी सेना हो, आज हमारी तकनीकें हो, आज हमारा विज्ञान हो, आज कहीं ना कहीं भारत अपनी योग्यता के दम पर पूरे विश्व में अपना एक स्थान बना रहा है। कल जो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जिस तरह से सैटेलाइट का अभियान हुआ, कहीं ना कहीं भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता को पूरी दुनिया के सामने मनवाया है। और इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने वोट का उपयोग करे। कल से कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती, सरकार गलत काम करती और यदि आप वोट देने से वंचित रह जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं वोट देता तो हो सकता है मेरे वोट के कारण कुछ परिवर्तन आता। लेकिन आपको मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, विधायक होने के नाते कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में इस देश ने बहुत तरक्की की है। आज 5 लाख तक का इलाज एक गरीब आदमी को मिल रहा है, उससे पूछिए। जो महिला चूल्हे पर खाना बनाती थी उसके आज गैस कनेक्शन है, उससे पूछिए। जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता था आज उसको रहने के लिए पक्का मकान है, उससे पूछिए कि कितना बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आया है। आज कैंसर और हार्ट की दवाएं जन औषधि केंद्रों से बहुत कम दामों पर मिल रही है। आज घुटने का इलाज आसान हुआ है। आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। और सबसे पहली बात, देश की आजादी के इतने वर्षों बाद एक सक्षम स्वयं निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री नेता इस देश को मिला है, जिसके नेतृत्व को आज पूरी दुनिया मान रही है। इसलिए मोदी जी की सरकार, समय पूरा हो गया आशीष जी। मेरा नौजवानों से कहना है इस देश के मूल मुद्दों पे वोट देना। जो मूल मुद्दा है कि जिन वादों पे सरकार बनी, जिन मुद्दों पे सरकारें आई, जिन्होंने जिन वादों को करके आए, लोग मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करना, लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, आप फसलों के दाम की बात करना, लोग इधर उधर की भटकाने की बात करेंगे, आप अपने मूल भाव के साथ अधिकारों की बात करना। और इस देश में देखने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में कैसे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कैसे जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे उसका ब्लूप्रिंट रखने की बजाय कि हमने इन 5 सालों में क्या किया, एक भी चीज का अगर जवाब दे पाए तो जरूर वोट देना। पर इस बात को बहुत सोचने समझने की जरूरत है कि और आप व्यवस्था परिवर्तन की, व्यवस्था को बदलने की और जो मूल भाव के साथ गरीबों के खड़े होने की बात है,
कांग्रेस पार्टी हर गरीब के परिवार को 72,000 रुपए साल का की एक जीवन को जीने का अधिकार, जो पहले भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का, इस हिंदुस्तान के नौजवानों को अधिकार चाहिए और वो अधिकार दे के रहेंगे। इन अधिकारों के साथ हम खड़े हैं, ये निर्णय आपको लेना है। और अंतिम बात यही कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साप को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। और ये लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव आते हैं, निर्णय का समय आता है, जिन लोगों ने आपसे वादे करे उन्हें पूरे करे हो तो उनके साथ खड़े रहो, और जिनने नहीं करे हो तो ये मूल भाव के साथ जो भटकाव की बात की चार लोग चिल्लाने लगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मूल रूप से खुद सोचना, खुद विचार करना कि क्या हुआ, क्या वादे करे थे और किन्होंने किस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि चार भगत आ सकते हैं जो भक्त बन सकते हैं, भक्त बन के नहीं, इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी बन के वोट करना और मूल सिद्धांतों के ऊपर वोट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुणाल जी, ये तो ये रहे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा जी। दिया जलाने की बात कही कुणाल जी ने, मैं वहीं से बात आगे ले चलते हुए समापन की ओर चलता हूं कि आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, आंधी का कोई खौफ न खतरा हवाओं का, मैंने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़ के, ताबीर बन के आने वाली है अब शहर, सूरज बना रहा हूं दिए जोड़ जोड़ के। तो आइए हम लोकतंत्र का ऐसा ही सूरज बनाएं। वाह, ये छोटे छोटे दिए आप सबके दिलों में जल रहे हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब ये दो हमारे सवालों के घेरे में हमेशा बने रहें, चाहे सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो। सवाल पूछना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम कभी विमुख नहीं होंगे। दिजाना मीडिया समूह के DNN न्यूज़ चैनल की ओर से ये जनमंच आप और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद के लिए आयोजित किया गया था। मानसरोवर डेंटल कॉलेज के इस मंच पर, इस सभागार में आपने अपने सवाल इन लोगों से पूछे। आइए इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सब शामिल हों और आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हर मतदाता मतदान जरूर करेगा। ये हमारा आह्वान है, DNN का आह्वान है, डिजाना ग्रुप का आह्वान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।